सहायता के लिए कि कोई आपकी मदद करे या आपकी सहायता करे। अगर आप उसके पीछे लगे लगे हो, अगर आपको कहे कि नहीं मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा, मेरे से सहायता होगी नहीं, तो आप क्या करोगे? हे भाई और बहनों, जाहिर सी बात है कि हर कोई वापस आ जाएगा और दोबारा कभी भी वहाँ पे नहीं जाएगा। हे भाई और बहनों, कभी कभी लोग पैसे पूछने के लिए किसी के घर में जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि पैसे हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते पैसे, ये तो हमारे लिए रखे थे, मैं दवाई जो है मेरी बेटी के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। जब ऐसा कोई हमें कहता है तो हमें कैसा लगता है यार, कि बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता होगा कि कितने विश्वास के साथ मैं इसके पास आया, लेकिन इसने कहा कि ये तो मेरे लोगों के लिए है। भाई और बहनों, उस स्त्री को भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, उद्धार और चंगाई जो है इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए है, मेरे लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे ही लगी रही, प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही लगी रही, प्रभु जी मेरी बेटी के ऊपर दया करे, दया करे। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी तक उससे कह दिया कि मैं अपने लड़कों की रोटी लेके मैं कुत्तों के सामने कैसा डाल दूँ। हे भाई और बहनों, कुत्तों के सामने डाल दूँ, हे भाई और बहनों, मगर वो स्त्री ने अपने आप को दीन किया और उसने विश्वास किया। उसने कहा ठीक है, अगर आपके बेटे खाते हैं तो खाने दो, जो चूरा वहाँ पे गिरता है तो वो कुत्ते भी खाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, उसी में से एक टुकड़ा जो है मुझे दे दे और मेरी बेटी को भी जरा ठीक कर दे। हे भाई और बहनों, अगर हम किसी के घर में कुछ मांगने जाए, कोई हमें कहे कि मैं अपनी रोटी लेके तो जैसे कुत्ते के सामने क्यों फेंक दूँ, तेरे जैसे सुअर के सामने क्यों फेंक दूँ, अगर कोई हमें कहेगा तो हमें लगेगा कि कोई हमें गाली दे रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है, और फिर क्या करेंगे, दोबारा उस घर में नहीं देखेंगे, दोबारा उसके पास नहीं जाएंगे। हे भाई और बहनों, स्त्री के साथ भी ऐसे ही हुआ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए, हर एक परीक्षा को उसने पास किया। प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाती रही, प्रभु जी मेरी बेटी के ऊपर दया करे, मेरी बेटी को दुष्टात्मा ने पकड़ के रखा है, फिर भी नज़रअंदाज किया प्रभु यीशु मसीह ने, फिर भी वो चिल्लाती रही, प्रभु जी मेरी बेटी के ऊपर दया करो, मेरी बेटी के ऊपर दया करो, फिर भी प्रभु ने नज़रअंदाज किया। फिर चेलों ने जाके बताया कि उसके ऊपर दया कर, उसकी बेटी को ठीक कर दे, मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने रुक के कहा कि मैं अपने बेटों की रोटियों को कुत्तों के सामने कैसा डाल दूं। हे भाई और बहनों, ये बात सुन के तो स्त्री को वापस चले जाना चाहिए था अपने घर घर के घर में कि मैं दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आऊँगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा है कि मैं अपने बेटों की रोटियां लेके कुत्तों के सामने क्यों डाल दी, मैं कुत्ता हूँ क्या? ये गुस्से में आके उसे वापस चले जाने चाहिए था। हे भाई और बहनों, लेकिन उस स्त्री ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को झुकाया और कहा कोई बात नहीं प्रभु जी, रोटी आपके लोगों के लिए सही, इसराइलियों के लिए सही, यहूदियों के लिए सही, मगर उनमें से एक टुकड़ा कुत्ता समझ के मुझे भी डाल दो। हे भाई और बहनों, जब ये बात उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को कही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरी बेटी ने चंगाई पाई है, अपने घर वापस जा और अपनी बेटी के पास चले जा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये भी कहा कि मैंने आज तक इसराइलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है। हे भाई और बहनों, इतना विश्वास उस स्त्री ने दिखाया और अपनी बेटी को चंगा पाया। हे भाई और बहनों, अगर आप भी ऐसा ही विश्वास देखेंगे तो आप भी अपने घर के हालात को बदलते हुए देखेंगे, अगर आप भी विश्वास करेंगे तो आप भी अपने आप को ठीक करते हुए देखेंगे, अगर आप भी विश्वास करेंगे तो अपने घर के हालात जो बिगड़ गए थे, जो आपने सोचा था कि कभी सुधर ही नहीं सकते, वो भी आप ठीक होते हुए पाओगे। बस शर्त ये है कि विश्वास करना है, जब तक ना मिले तब तक पीछे ही पड़ना है। हे भाई और बहनों, कोई हमारी बेइज्जती क्यों ना करे, फिर भी हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही लगना है। कोई हमें सुअर कहे या कुत्ता कहे, लेकिन फिर भी हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही पड़ना है। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ने से अगर कोई हमारी निंदा करता है, बेइज्जती करता है, तो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही जाना है, क्योंकि दया करने वाला, ठीक करने वाला, चंगाई देने वाला, सब कुछ हालात को ठीक करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक ही है, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। भाई